नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस और एसटीएस लगातार पीलीभीत की खाक छान रही है। जांच में जुटी पंजाब पुलिस ने पीलीभीत के मोहनपुर गुरुद्वारे पहुंचकर छानबीन शुरू की। गुरुद्वारे में लगे एक दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग से भी छेड़छाड़ होने की बात पता चली है। इसलिए टीम कैमरों की डीवीआर भी साथ ले आई। आपको बता दें कि पंजाब से फरार अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस पंजाब से लेकर पीलीभीत तक अमृतपाल की तलाश कर रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार अहिंसा के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी प्रभु का जैन समाज के लोगों ने बड़ी उत्साह और भक्ति के साथ जन कल्याणक दिवस मनाते हुए शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में प्रभु महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो तथा अहिंसा उनके सिद्धांतों को बड़ी सुंदर तरीके से झांकियों के माध्यम से उकेरा गया था। शोभा यात्रा सरफा बाजार के कबाड़ी बाजार स्थित जैन मंदिर जी के प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन बाग स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जी पहुंची। इससे पहले स्वर्ण मंडित रथ पर विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी को लेकर ख्वासी के रूप में बैठने का सौभाग्य चिन्मय जैन, प्रभु श्री के दोनों और चवर डालने का सौभाग्य अभिषेक जैन, राजीव जैन को मिला। श्रावस्ती में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जहां दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और एक पत्थर चले। मारपीट में दोनों पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला गिलौला थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव का बताया जा रहा है। श्रावस्ती में 22 वर्षीय दिव्यांग युवक के राप्ती नदी में डूबने की आशंका जताई गई। युवक राप्ती नदी किनारे शौच को गया था। नदी किनारे चप्पल पड़ी देख घर वालों ने युवक के डूबने की आशंका जताई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस और ग्रामीण युवक की तलाश में जुटे हैं। मामला मुस्काबाद का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को राज्य सरकार द्वारा बीते दिन MLC बना दिया गया। वही राज्य सरकार द्वारा वाइस चांसलर को MLC बनाए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को MLC बनाए जाने के बाद कहीं AMU के छात्रों में खुशी देखी जा रही है तो कहीं छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट और टिप्पणियां की जा रही हैं। वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे। अमेठी में छुट्टा मवेशियों की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश सिर्फ कागजों में ही की जा रही है। धरातल पर देखा जाए तो वो कुछ अलग ही नजर आता है। सड़कों पर मवेशी झुंड में बैठकर रास्ता रोक देते हैं तो कहीं सड़क पर अचानक सामने आ जाते हैं। इसको लेकर अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इतना ही नहीं, रात के समय चल रहे मवेशी कभी नाले, गड्ढे तो कभी कुएं में गिर जाते हैं। ऐसा ही मामला अमेठी के काजी मोहल्ले में घटा, जहां एक गाय जर्जर कुएं में अचानक गिर गए, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर के आम के बाग में 60 साल के बुजुर्ग अशोक राजा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। साथ ही पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। मृतक की बेटी ने बताया कि वो रात 10 बजे निकले थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने कॉलोनी वासियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग भी मेरे पिता की हत्या में शामिल हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर में शासन के आदेश पर SDM के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिले भर में चलाए गए इस अभियान में दुकानों के रखे अतिक्रमण को JCB के माध्यम से हटाया गया है। SDM ने सभी दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। दरअसल शासन के आदेश पर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जिले भर में SDM के नेतृत्व में JCB के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। हालांकि इस बीच भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी रही। भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शहर कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। दरअसल अखिलेश यादव की जनसभा में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव माननीय काशीराम मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां मंच पर खड़े होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नारा दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़े जय श्री राम। इस नारे से हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री के साथ कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इसके बाद उनके खिलाफ एक तहरीर दी गई है। और अब खबर उन्नाव से, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संगठन को मजबूती देने के लिए शहर के अरोड़ा रिसोर्ट में पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में लोकसभा प्रभारी, पूर्व सांसद अनु टंडन और सपा के पूर्व MLC सुनील साजन सहित तमाम सपा पदाधिकारी और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये प्रेस वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। वही सपा के जिला अध्यक्ष राजेश यादव
ने बताया कि हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और आने वाले निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव भी देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और झांसी ललितपुर लोकसभा के लिए प्रभारी बनाए गए आरएस कुशवाहा ने अपने पहले झांसी आगमन पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संगठन की मजबूती के बारे में चर्चा की। इसके पहले एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा प्रभारी ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नए रूप में दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी में अब उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाएगी जो पूरी तरह से निष्ठावान और समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बूथ स्तर की कमेटियां भी निष्ठावान तथा ईमानदार कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा। झांसी में न्यायालय के आदेश कब्जा दाखिल का नोटिस चस्पा होने के बाद पीड़ित परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम शामिल हो गया। सुबह से सड़कों पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही आत्मदाह की चेतावनी भी दी। मालूम हो कि सिविल न्यायालय में चल रहे LVM स्कूल के सामने पड़ी प्रॉपर्टी के मुकदमे में 28 मार्च को आदेश पारित किया गया था कि सुनीता को कब्जा दिलाया जाए। इस आदेश की कॉपी को कोतवाली थाना पुलिस ने LVM के सामने पड़ी प्रॉपर्टी पर चस्पा कर दिया। इधर इस प्रॉपर्टी पर रह रहे सुंदरलाल के परिजनों का आरोप है कि उनका विवाद 720 में चल रहा है, जिसका फैसला न्यायालय ने उनके पक्ष में कर दिया तो वो अपनी 720 जमीन ले सकते हैं। सुंदरलाल के परिजनों का आरोप है कि सुनीता और उनके परिजन 720 के अलावा पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हरदोई के पाली में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। मंत्री ने लगभग 28 लाख रुपए की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा काशीराम प्रतिमा के अनावरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आते हैं तो कुछ दल निकलकर बाहर आते हैं और तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं। मंत्री ने कहा कि मगर प्रदेश और देश की जनता सब समझ चुकी है और उन्हें नकार चुकी है। केंद्रीय मंत्री रामदास ठावले आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर उन्होंने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल के अंदर रामदास ठावले उनका परिवार करीब 1.5 घंटे तक रहा। इस मौके पर उन्होंने जमकर फोटो सेशन किया। ताजमहल के बाहर जब निकले तो उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए और उन्हें वहां से राहत मिल सकती है। बिहार और बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों पर रामदास ठावले ने कहा कि इस तरह के दंगे अच्छी बात नहीं है। हरदोई के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक परिजनों का हंगामा चला। सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ सीओ सिटी ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने डॉक्टर्स और एक अन्य के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। झांसी के गुड़सराय के रामनगर रोड स्थित भसने खजराहा नहर के पास 11,000 की बेदा फीडर की लाइन निकली हुई थी, जिसमें तेज हवा के चलते अचानक फॉल्ट हो गया और विद्युत चिंगारी निकलकर खेत में जा गिरी, जिससे खेत में जानवरों के लिए भूसा बनाने के लिए लगी हुई करीब 10 बीघा के आसपास की पराली जलकर राख हो गई। आनंद फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड गरौट को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आरोप है कि ग्रामीणों के कई बार फोन करने पर भी मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अगर दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंचती तो गेहूं की फसल बच जाती। मामला बशराहवा कोतवाली क्षेत्र के कसरावा गांव का बताया जा रहा है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने नुनहारा थाना क्षेत्र से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश मोबाइल टावर से बैटरियां चुराकर बेचने के धंधे में लिप्त। पुलिस ने चोरी की बैटरियों को खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश से 1 पिकअप, चोरी की 7 बैटरियां बरामद की गई हैं। बिजनौर में शासन के आदेश पर SDM के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिले भर में चलाए गए इस अभियान में दुकानों के सामने रखे अतिक्रमण को GCB के माध्यम से हटाया गया। SDM ने सभी दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। दरअसल शासन के आदेश पर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जिले भर में SDM के नेतृत्व में GCB के माध्यम से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। हालांकि इस बीच भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी रही। झांसी के गुड़सराय डकैती कांड में वांछे चल रहे 25,000 के एक और इनामी बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसे पकड़ा है। इसके पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश में के पैर में गुगली लग गई। इसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा समेत 72,000 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि गुड़सराय थाना क्षेत्र के कारोबारी के घर में 19 मार्च को घुसकर 8 बदमाशों ने डकैती डाली थी। घर से करीब 32 लाख रुपए की रकम लूटकर बदमाश भाग निकले थे। इस दौरान बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर उनके हाथ पैर बांध दिए। सुबह जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर SSP से लेकर DIG और AG जोन कानपुर भी पहुंचे। डकैती कांड का खुलासा करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था।
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एटीएम काटकर बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। चोर 40 लाख के करीब नकदी एटीएम से लूट ले गए। लग्जरी कार से बदमाश एटीएम लूटने पहुंचे थे। मामला सुशांत गोल्फ सिटी के खुरदही बाजार का है। एसएल चौकी इंचार्ज से लेकर इंस्पेक्टर तक इस बात की भनक किसी को नहीं लग पाई। बागपुर में कक्षा 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। छात्र का शव रजवाहे के पास पड़ा मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। औरैया में चलता ऑटो आग का गोला बन गया। चलते ऑटो में आग लगने से ऑटो चालक गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा, पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए नजर आए। वहीं सहारनपुर के स्टेट हाईवे पर दूसरे वाहन को बचाने की कोशिश में नई बुलेरो कार पलट गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा थाना नागल क्षेत्र के गांव माही के पास का है। औरैया पुलिस ने युवक को गोली मारे जाने की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि दोस्त ने दोस्त को महिला मित्र से बात करने पर विवाद होने पर गोली मारी थी। पुलिस अधीक्षक औरैया चारों निगम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीमें लगाई थी। पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर फफुंद थाना क्षेत्र के जुआ पुल के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक चारों निगम ने 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। हरदोई में जमीन की कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष कूड़ा डालकर जमीन पर कब्जा कर रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो बना रहे शख्स को भी दबंगों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया। मारपीट में घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फरुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 35 से 40 लोग सवार थे। ट्रैक्टर पलटने से सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नीम करौरी मंदिर से घर लौटते वक्त हादसा हुआ। घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया। 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एटा में गेहूं के खेत में एक युवती का कंकाल बरामद हुआ है। युवती के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से हुई है। युवती थाना पिलुआ क्षेत्र के नगला गोकुल की निवासी है। ऋषिपाल की 18 वर्षीय पुत्री है। गेहूं की फसल काटते समय किसानों को युवती के शव का कंकाल मिला तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तीनों थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे, जहां कंकाल को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कासगंज में रमजान और हनुमान जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट है। सहावर कस्बे में भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल ने अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। तेज रफ्तार लोडर टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा पलटा, जिसमें ड्राइवर क्लीनर की जान बाल बाल बची है। मामला बदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुएमु गांव के पास का है। लोडर पलटते ही वहां आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से लोडर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया है। गनीमत यह रही कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। झांसी रेलवे स्टेशन इन दिनों अवैध वेंडिंग का अड्डा बन गया है। आरपीएफ के मिलीभगत के बाद यह कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अवैध वेंडिंग के इस कारोबार में इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पॉलिथीन के अंदर खाना भर के, ताकि किसी को कोई नजर न आए, ये अवैध वेंडिंग करने वाले लड़के सफेद पॉलिथीन को हाथ में लिए रेलवे स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। ट्रेन के आते ही इनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। रेल सुरक्षा बल के जवानों के शह पर यह कारोबार इस वक्त धड़ल्ले से झांसी रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। इस अवैध वेंडिंग के कारोबार करने वाले लोगों के सबसे प्रिय और चहेते बने हुए हैं। आरपीएफ थाना इनके मिलीभगत से ये सारा कारोबार चला रहा है। उन्नाव में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान रंग गुलाल उड़ाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के चलते देर रात एक विशेष समुदाय के बीच नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के दौरान पत्थरबाजी भी की गई। दोनों पक्ष में देर रात जमकर ईंट पत्थर चलने से गांव में दहशत का माहौल है। घटना सूचना मिलते ही पुलिस 6 थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची है। 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला रफीकुर कोतवाली के कुसेला गांव का है। चारधाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आभारपूर्व सुविधाएं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपर्ण यदुवंशी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने पालेट बाबा आश्रम के पास निर्मित शौचालय में पानी का संयोजन देने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए हैं। साथ ही सड़क मार्ग पर रखी गई निर्माण सामग्री को हाईवे से हटाने, सड़क मार्ग को समतलीकरण करने के निर्देश बीआरओ को दिए गए हैं। फर्जी आईपीएस अधिकारी को हरिद्वार के बहादुराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह फर्जी आईपीएस अधिकारी लोगों को फर्जी तरीके से लोगों को ठगने का काम करता था। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हाथे चढ़ा है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात बताता था।
आईपीएस अफसर बताता था, हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में युवती को झांसा देकर उसने युवती के साथ सगाई की थी और शादी करने वाला था। शक होने पर युवती के भाई ने बहादुराबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी का 6 अप्रैल को देहरादून दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के साथ ही कुछ नई योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं। हालांकि अभी तक गडकरी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले ही उत्तराखंड भाजपा ने अपने प्रस्तावित दौरे के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निरीक्षण करने के साथ ही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। चंपावत में टनकपुर बनबसा क्षेत्र के भ्रमण पर आए कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने माता पूर्णागिरी मेला व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने टनकपुर शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मेला क्षेत्र तथा मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मेला क्षेत्र के पास से ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया है। हरिद्वार में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में सख्ती से कोविड गाइडलाइन लागू होगी। जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए राज्य में कोविड 19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में कहा गया है कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए जाए। चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी चिकित्सा इकाइयों और स्थायी मेडिकल रिलीफ पॉइंट का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। आगरा में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शाब्दिक त्रुटियां बताई हैं। श्री रामभद्राचार्य ने कहा कि हनुमान चालीसा में अशुद्धियों को ठीक किया जाना चाहिए। हनुमान चालीसा में शंकर सुमन केसरी नंदन की जगह शंकर सुमन केसरी नंदन होना चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, इसमें तपस्वी शब्द में त्रुटि है। सही शब्द है कि सब पर राम राज सिर ताजा। भारत सरकार के द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई गई है, जिसमें राजधानी लखनऊ में उम्मीद संस्था के जरिए जो बच्चे चौराहे, रोड पर, डिवाइडर पर भीख मांगते थे या फिर किसी प्रकार का कोई काम करते थे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा उम्मीद संस्था के जरिए बच्चों को शिक्षित करने की पहल चलाई गई है, जिनमें बच्चों को अनेक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि स्कूल बैग, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। अभी ये पहल राजधानी में बतौर ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि लाइट और बैठने और रुकने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। श्रावस्ती में कल शाम नदी किनारे शौच करने गया एक 25 वर्षीय दिव्यांग युवक का चप्पल नदी किनारे तट पर मिला, जिससे अंदाजा लगाया गया कि युवक नदी में डूब गया है। जब रात भर युवक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। सुबह जब गाँव के लोगों ने किनारे जाकर देखा तो वहाँ उसकी चप्पल मिली। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना थाने पर दी गई। सूचना पर पहुंची श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना कोतवाली पंकज सिंह ने लोकल तैराकों की मदद से तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का शव बरामद नहीं हो पाया है। बांदर में वैध की आड़ में जिले में लगातार अवैध खनन जारी है। मुख्यालय से सटी अशौद खदान में लगातार नदी की जलधारा के बीच से खनन किया जा रहा है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अशौद खदान का अवैध खनन नहीं दिखता। अशौद खदान आनंद त्रिपाठी उर्फ बब्बू त्रिपाठी के नाम पर आवंटित है। राजधानी लखनऊ में बालागंज चौराहे पर स्थित महाराज निशाजाद बुहा की प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने माल्यार्पण कर निषाद समाज को महाराजा निषादराज और महर्षि कश्यप की जयंती पर संदेश दिया। राष्ट्रीय निषाद संघ सहित विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जब पूछा गया कि वो समाज के सहयोग में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करें तो उन्होंने कहा कि लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करने को लेकर विवाद सामने आया। पत्थरबाजी और मारपीट में एक शख्स घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी ने मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। विधायक सुरेश वासी की पार्टी के प्रति कार्य निष्ठा और समर्पण को देखते हुए पार्टी ने संगठन मंत्री पद से नवाजा गया है। विधायक सुरेश पासी के संगठन मंत्री बनने के बाद जगदीशपुर आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुरेश पासी का प्रदेश संगठन मंत्री बनाए जाने पर जगदीशपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और डीजे बजाकर जोरदार स्वागत किया। बलरामपुर के जिला मेमोरियल चिकित्सालय के पिछले परिसर में आग लग गई। आरोप है कि सफाईकर्मी ने कूड़ा जलाया था। कूड़े से पहले आग ने परिसर में रखे मोटे केबलों में आग पकड़ ली। आग फैलने से कई घंटों तक अफरतफरी का माहौल रहा। चिकित्सालय प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटावा थाना सिविल लाइन इलाके के चीलगढ़ स्थित काशीराम कॉलोनी में राकेश के यहाँ से झंडा चढ़ाने के लिए काली मंदिर जा रहा था। वाहन तभी बैंडबाजों के साथ लोग डांस कर रहे थे। इस दौरान कॉलोनी में रखे ट्रांसफार्मर में वैन छोड़ जाने से करंट आ गया, जिसमें राकेश की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है, जहां पर सभी को इलाज जारी है। सहारनपुर स्थित थाना मंडी क्षेत्र के प्रताप नगर रायवाला निवासी बुजुर्ग दंपति को दबंगों द्वारा लगातार जमीन खाली करने की धमकियां मिल रही है। जब बुजुर्ग दंपति ने इसका विरोध अधिकारी के सामने पेश किया तो दबंग लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और जमीन खाली करने का दबाव बना रहे हैं। बुजुर्ग दंपति ने अधिकारियों से
कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ नहीं की गई है। जालौन में 5 साल की मासूम बच्ची गायब होगी जिसका शव मिला है। शव मिलने से इलाके भड़कम मच गया। आरोपी के खेलते खेलते 5 घंटे पहले बच्ची गायब हुई थी। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस अधीक्षक जालौन रजा ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बच्चे के छत से गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में एडीएम पीएन शाह हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से बर्बादी फसलों के मुआवजे और किसानों को फ्री बिजली दिए जाने की मांग की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को धर दबोचा। उसके कब्जे से 29 ग्राम स्मैक बरामद कर उसका एनटीपीएसी एक्ट के तहत चालान कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाली मानसखंड झांकी को पहला स्थान मिला है, जिसको न सिर्फ देशवासियों ने बल्कि देशवासियों ने भी काफी सराहा है। वो अच्छी खबर यह है कि झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर आम जनता को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रदेश के सभी जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों, अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्य के मुकाबले में देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तरकाशी में उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। वहीं जिला अस्पताल और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने सिंगटाली मोटर पुल निर्माण को लेकर एसडीएम इलागिरी से मुलाकात की। सिंगटाली मोटर पुल निर्माण का कार्य कई सालों से लंबित है, जिसके लिए सिंगटाली पुल निर्माण संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करती है। इस पुल निर्माण के बाद कई गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की दूरियां भी कम होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्वाइंट ऑपरेटर न होने के चलते पूरी तरह से ठप है। संविदा पर तैनात 2 प्लॉट ऑपरेटर का अनुबंध खत्म होने पर उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद से प्लांट चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटर अस्पताल में मौजूद नहीं है। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।